क्योंकि आप लोगों को प्लानिंग का टाइम नहीं मिला. काफी इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए कि किसने किसको वोट किया है, क्या हुआ है. वैसे तो ये अनोनिमस है लेकिन बी फन. पहला वोट निहाल आपके खिलाफ है. एक्सपेक्ट किया था. हाँ. अगला वोट आशुतोष. पहली बार जी आपके आगे वोट आया. अगला वोट अंकिता के खिलाफ. आज सुबह कौन सी टीम में दिया? आशुतोष, अयाज, निहाल. यू द ओनली गर्ल जो एक वांटेड मतलब टीम में थी. अनवांटेड में नहीं थी आप लोग? नहीं. आपने फिर भी एक्सपेक्ट किया आपके खिलाफ वोट होगा? क्यों? बिकॉज़ यहाँ पे लोगों को पसंद नहीं है पीपल हु स्पीक देयर माइंड. और अगर कोई बोल देता है सच मुंह पे तो लग जाती है लोगों की. तो अगला वोट शांभवी. ऑलराइट, नेक्स्ट वोट अयाज के लिए. अयाज, एक्सपेक्ट किया था? या कोई ना कोई तो खुन्नस निकालने चाह रहा था. इतना अच्छा मौका मिला है. मेरे हाथ में 5 वोट है. अब 8 लोगों के बीच में से 5 वोट अलग अलग लोगों के लिए. पहली बार हुआ ऐसा. हर एक ने उस एक रोडी का नाम लिखा है जिसको वो असली में नहीं चाहते इस शो पे देखना. अगला वोट है शांभवी के खिलाफ. कितने आपके लिए खिलाफ? अभी 2. मेरे हाथ में 2 और वोट्स हैं. आप लीड कर रही हैं. अगला वोट है अंकिता के खिलाफ. ये एक्सपेक्ट किया था आपने? 2 किया था. आपने 3 किया. आपको पता है आप जा रही हैं आज. गलत. अंकिता. के खिलाफ 3 वोट्स. शाम भी आप बच गए. सिर्फ 2 वोट्स हैं. आप आज ये शो छोड़ के जा रही हैं. आपके फेलो रोडीज ने आपको वोट आउट कर दिया. आपको खराब लग रहा है कि आज उनका चांस था जाने का. फुल प्लानिंग हो गई थी आप सबकी और उनके खिलाफ आपसे ज्यादा वोट भी हैं. पर वो आज यहाँ पे और आप जा रही हैं. अनमोल has a big time inferiority complex. वो जो दिखाती है that she is strong, bold, Stefanian, बहुत सारा attitude है. आज वोट आउट से बचने के लिए वो रोई, गिड़गिड़ाई किसी के सामने. I did not cry and I think आशुतोष is standing there. He can tell you. मैंने क्लियर भी कर दिया तेरे को भाई. मैंने रोई नहीं है. दोबारा फिर से तुझे पिछला याद है बड़ी किस तरह भाई. बट आशुतोष केम अप टू अस एंड ही सेड यू आर क्राइंग और इसलिए टू इन द रॉन्ग वे एंड ही एक्सेप्टेड. अनमोल को रोते हुए मैं देख नहीं सकता इसलिए उसे वोट आउट नहीं करूंगा. ही मेंट समथिंग एल्स एंड ही एक्सेप्टेड दैट. व्हाट डज दैट मीन? उसका एग्जैक्ट वर्ड्स ये था कि वो रो रही है और मैं उसे वोट आउट नहीं करूंगा. सो यू टू गेट रॉन्ग. व्हाट इज? अरे वो रो रही है इसलिए वोट आउट नहीं करूंगा. उसका और क्या मतलब होता है? एक एक ईंट दे दो इनके हाथ में. ईंट दे दो इनके हाथ में. लड़ लेंगे अपना. बोले पहले शांत हो ले. तेरे को बड़ी तकलीफ हो रही है. आप लोग अपनी प्लानिंग से इतना जुड़े रहते हैं. इंडिविजुअली आप खेलते नहीं है. ये ग्रुप का गेम नहीं है. इसमें सिर्फ एक जीतेगा. I'll miss you. I'll miss you.
match kabutar was really bad. I'm still in the shock of Ankita Goel. I'm just so happy because I used to hate Ankita. But when Miko and Amol were going to get together, they knew that best friends were going to get together. So I'm really liking it. Hello, honey, buddy, Balwan. I'm going to play. आज का वोट आउट कैसा रहा तुम्हारे लिए? मेरे को तो बहुत मजा आया। हाँ? मेरे को तो बहुत मजा आया आज के वोट आउट में। So far the best vote out I've ever seen. आपको? I'm happy because I'm not going. I'm sad because Ankita left because of me. तुम इसको बता लोगी? Yes. बोलने की जरूरत नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Plan है तुम्हारे पास? Time तो है। Plan बनाए। Time भी है, plan भी है, मौका मैं तुम्हारे को दूंगा। I like it. लड़कियों की जो teams हैं, जो उनके बीच में वो division है, वो equal है. Let them fight it out amongst themselves. Let me take the advantage of that. अब सब लोग बहुत insecure feel कर रहे हैं now within each other. So now I'll give you a warm smile. अब नाम तो हुआ मेरा वरना पहले कोई नाम ही था कहीं भी. अब नाम होना तो शुरू हुआ. सब कुछ उल्टा हो गया आज. मेरे को बोली थी खुद इसको जाना पड़ा. I'm very happy. Definitely, I'll take a revenge. जिन्होंने अंकिता को वोट किया, they have to go.